रांची में मुहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले के डीसी राहुल सिन्हा और एसएसपी चंदन सिन्हा की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें राज्य अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष शमशेर आलम की उपस्थिति में तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुहर्रम को लेकर रांची जिला प्रशासन अलर्ट। सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने को लेकर डीसी एसएसपी की बैठक। दंगा भड़काने का होगा प्रयास तो होगी कार्रवाई। 200 स्थानों पर स्टैटिक फोर्स तैनात। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। सोशल मीडिया पर होगी पुलिस की पैनी नजर। 17 जुलाई को पूरे देश भर में मुहर्रम का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इधर राजधानी रांची में मुहर्रम को लेकर डीसी और एसएसपी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन की बैठक में पहले भी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आज शांति समिति की बैठक हुई। आज शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ पूरी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और बहुत सारे सुझाव आए। सभी सुझावों पर अमल करने हेतु जो जिला स्तर के अधिकारीगण हैं, चाहे वो बिजली विभाग के हों, पेयजल स्वच्छता विभाग के हों, नज़ारत के हों, उन सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी पुलिस पदाधिकारीगण भी बैठक में मौजूद थे, उन सभी को भी आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। तो हम महसूस करते हैं कि नियत समय पे सारी तैयारियां सकुशल तरीके से संपन्न हो जाएगी और जितने भी जुलूस के मार्ग हैं उन सभी पे जो आवश्यक कार्रवाइयां हैं वह सब हो जाएंगी। जो अभी शांति समिति की बैठक की गई थी, जितने भी संवेदनशील स्थान हैं उस पर सीसीटीवी लगाया जा रहा है। पहले से भी शहर जो है सीसीटीवी की कवरेज में है और जहाँ एक्स्ट्रा जरूरत है संवेदनशील स्थानों पर वहाँ पर लगाए जाने का प्रोसेस चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार पुलिस नजर रखी हुई है, हमारा कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है। हमारी अपील है रांची वासियों से कि कभी भी कोई आपत्तिजनक या भड़काऊ फोटो पोस्ट वीडियो वगैरह मिलता है तो वो उसे फॉरवर्ड ना करें, वो केवल इसे पुलिस कंट्रोल रूम को फॉरवर्ड करें और बताएं कि किस स्रोत से आया है ताकि उन पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। इस बैठक में तमाम खलीफा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदस्य भी उपस्थित थे। इस दौरान जिला प्रशासन ने तमाम खलीफाओं की समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान की बात प्रशासन के द्वारा कही गई। देखिए, बैठक की गई थी तमाम खलीफाओं के साथ, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और प्रशासन के साथ, ताकि सब लोग आपस में समन्वय बना करके मुहर्रम के इस त्यौहार को संपन्न करा सकें। तमाम खलीफाओं ने मुहर्रम में उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराया और जिला प्रशासन ने उस समस्याओं के समाधान हेतु दिशा निर्देश भी दिया है। हम लोगों ने भी कहा है कि इस बार मुहर्रम में किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, मुहर्रम अच्छे तरह से संपन्न हो ये सुनिश्चित होना चाहिए और इसी को लेकर बैठक की गई है। और बैठक बहुत ही अच्छी रही और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक इसको हम कह सकते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार का जो मुहर्रम होगा ऐतिहासिक होगा। हालांकि रांची में मुहर्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रशासन भी पूरे तरीके से सक्रिय है और लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्ती कर रही है। कैमरामैन संजय के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।